मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। और बालों की समस्या हर किसी की आम समस्या हो गई है, तो आज इसके लिए एक होममेड हेयर ऑयल नेचुरल तरीके से तैयार करेंगे। और ये तेल हमारे बालों पर बहुत ही अमेजिंग वर्क करेगा। तो ये एकदम नेचुरल तरीके से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हेयर ऑयल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नारियल का तेल लिया है और 100% प्योर नारियल का तेल लेना है। और एक छोटी बोतल बादाम रोगन तेल के लिए है। इनका मिक्स करके तेल बनाएंगे। और यहाँ पर सूखे हुए आंवले लिए हैं। आंवले में विटामिन ई होता है और ये बालों को लंबा और घना करता है। यहाँ पर मैंने नीम की पत्तियाँ ली है और नीम स्कैल्प पर हो रहे इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है, जिससे बालों का झड़ना भी बंद हो जाता है और ड्राइनेस और रूसी भी ख़त्म हो जाती है। और एक गुलाब का फूल लेंगे। यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं और कड़ी पत्ते से बालों में चमक और बालों की ग्रोथ बहुत ही जल्दी होती है। और यहाँ पर तुलसी की पत्तियाँ ली है और तुलसी से डैंड्रफ और ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है। और 15 से 20 काली मिर्च ली है, 2 चम्मच कलौंजी ली है और 2 चम्मच ही मेथी के दाने लिए हैं। मेथी में विटामिन सी और आयरन होता है, जिससे बालों को घना, लंबा और अंदर से मजबूती मिलती है। और अब यहाँ पर गुड़हल लिया है, तो गुड़हल के फूलों से बालों के फोलिकल्स मजबूत होते हैं, जिससे बालों के झड़ने की समस्या से लेकर डैंड्रफ तक सब समस्या का उपचार होता है और बाल बहुत ही मजबूत और मुलायम हो जाते हैं। तो गुड़हल का यूज़ भी आप ज़रूर से करें इस तेल के अंदर। तो तेल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ली है और लोहे की कढ़ाई में ही ये तेल बनाएं, या फिर पीतल के बर्तन में बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर नारियल का तेल डाल दिया है और गैस की फ्लेम को यहाँ पर कम रखना है। तो इस तरह से सारा तेल इसके अंदर डाल देंगे। और अब यहाँ पर सबसे पहले कड़ी पत्ते की पत्तियाँ इस तरह से तोड़ कर डालेंगे। तो सारी पत्तियाँ इसके अंदर डाल दी है और इसको धीमी आंच पर थोड़ी सी देर अच्छे से गर्म होने देते हैं। और अब यहाँ पर नीम की पत्तियाँ डालेंगे। और नीम हमारे बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। तो नीम से इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाता है और बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो नीम बालों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। तो नीम आप यहाँ पर ज़रूर यूज़ करें। और इस तरह से चम्मच से एक बार इन सब पत्तियों को मिक्स कर देंगे। और अब इसके अंदर सूखे आंवले डालेंगे। और आंवले आपके पास अगर हरे हैं तो उनको फोड़ कर डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर 2 चम्मच मेथी के दाने डालेंगे। अब इसके अंदर 15 से 20 काली मिर्च डालेंगे और बालों के ब्लड फ्लो को काली मिर्च बढ़ाती है और बालों को मजबूत और घना बनाती है। और 2 चम्मच कलौंजी डालेंगे। कलौंजी बालों को पोषण देती है, जिससे बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। और अब इसके अंदर तुलसी की पत्तियाँ डाल देंगे। और तुलसी भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तुलसी से डैंड्रफ, ड्राइनेस और हेयर फॉल की समस्या कम हो जाती है। और अब इसके अंदर गुड़हल के फूल डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 गुड़हल के फूल इसके अंदर डाले हैं और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर इस तेल को 15 से 20 मिनट तक अच्छे से उबालना है, जब तक सारी पत्तियाँ बिल्कुल काली न हो जाए। तब तक इसको अच्छे से पकाते रहना है, जिससे सारी पत्तियों का फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। और अब यहाँ पर गुलाब की पत्तियाँ तोड़कर इस तरह से डाल देंगे और इनको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गुलाब से भी बालों में ड्राइनेस और रूसी की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इससे थोड़ी सी इस तेल के अंदर सुगंध भी आएगी। तो यहाँ पर गुलाब का यूज़ भी करें। और अब यहाँ पर एलोवेरा डालेंगे। आधा कटोरी एलोवेरा को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर मिक्स कर देंगे।
तो एलोवेरा के अंदर विटामिन ए, सी और बी होता है जो बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं तो सभी तरह के इन्फेक्शन से भी ये बचाता है और बालों को लंबा, घना, मुलायम और स्ट्रेट भी बनाता है। तो इस तरह से एलोवेरा भी इसके अंदर डालकर इस तेल को बनाएंगे। अब इसके अंदर बादाम रोगन तेल डाल देंगे। तो ये तेल मैंने लास्ट में डाला है और इस तरह से बादाम रोगन तेल डालकर भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल धीमा रखना है और बिल्कुल धीमे पे ही इसको अच्छे से पकाना है। और इस तरह से पत्तियों का रंग काला हो जाएगा तो ये तेल अच्छे से बन जाएगा। सारी पत्तियों को जलाना है और यहाँ पर पत्तियाँ अच्छे से काली हो गई है तो तेल यहाँ पर तैयार हो गया है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस तेल को गैस से नीचे उतार कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर इस तेल को आधा घंटा के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। और अब यहाँ पर एक बर्तन लेंगे, उसके ऊपर एक छलनी रख देंगे और छलनी के ऊपर सूती कपड़ा रख कर इस तेल को छान लेंगे। और इस तेल को छान कर ही यूज़ करना है। तो इस तरह से इस तेल को छान लेंगे और तेल को छानने के बाद में ठंडा करके ही बोतल के अंदर भरना है। और ये हमारा घर का बना हुआ हेयर ऑयल जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया है। और ये तेल बालों में बाल धोने से 1 घंटे पहले लगाकर इसको छोड़ देना है और 1 से 1.5 घंटे के बाद बालों को अच्छे से धो लेना है। और इसको रात भर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से इस तेल का यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह से घर पर ही ये नेचुरल हेयर ऑयल बनाएं और अपने बालों में लगाएं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसकी रेसिपी बिल्कुल इजी है। तो आज की हेयर ऑयल की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और अब इसको कांच की बोतल के अंदर भर कर रख देंगे और फिर इसको यूज़ करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।